ओपन करते हो 1.6 वर्जन अपडेट करने के बाद। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप BGMI ओपन करते हो 1.6 वर्जन ओपन होने के बाद, यानी कि डाउनलोड होने के बाद, अपडेट होने के बाद, तो गाइज आपके सामने फेसबुक लॉगिन प्रॉब्लम आता है। जी हाँ दोस्तों, आप कितना भी ट्राई करते होगे लेकिन आपका फेसबुक से लॉगिन प्रॉब्लम आपका आता ही होगा। नेटवर्क इरर लॉगिन फील्ड, क्या आपका भी नेटवर्क इरर लॉगिन फील्ड आ रहा है, या आपका भी सर्वर डिड नॉट प्रॉब्लम आ रहा है, या आपका भी फेसबुक से, आप कितना भी ट्राई कर रहे हो फेसबुक से लॉगिन करने के लिए लेकिन आपका फेसबुक से लॉगिन हो ही नहीं रहा है, कितना भी आप ट्राई कर ले रहे हो नहीं हो रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो तो आज के इस वीडियो में, अगर आप चाहते हो तो ट्विटर से भी आप लॉगिन कर सकते हो, या आप चाहते हो लॉगिन विद फेसबुक से तो आप अपने फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई इशू नहीं आएगा, और आपके सामने लाइव प्रूफ करके मैं दिखाने वाला हूँ, बिना कोई इरर के, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई एप्लीकेशन के, अगर आपका नेटवर्क इरर लॉगिन फेल्ड BGMI 1.6 यहाँ पे देख सकते हो अपडेट करने के बाद। गाइज अगर अभी तक आपने भी अपडेट नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट अपडेट कर लो, क्योंकि अगर अपडेट नहीं करोगे तो गाइज आपको मज़ा नहीं आएगा खेलने में। तो गाइज आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देख देख करके, सर्च कर करके अपना टाइम और MB दोनों ही वेस्ट कर दिए होगे, लेकिन अभी तक आपका परमानेंट सोल्यूशन कोई यूट्यूबर नहीं बताया होगा कैसे और किस प्रकार से लॉगिन विद फेसबुक में प्रॉब्लम जो आ रहा है फेसबुक से लॉगिन करने के लिए, तो कैसे उसको फिक्स करते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो और स्टेप बाय स्टेप देखते हो, तो आज के इस वीडियो में मैं सारा कुछ प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे अगर आपका BGMI में फेसबुक लॉगिन प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क इरर आ रहा है, और आपका सर्वर डिड नॉट रिस्पॉन्ड आ रहा है, या आपका अनेबल टू कनेक्ट टू सर्वर आ रहा है, तो कैसे इसको आसानी से और इजी वे में कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि भाई मैं 110% गारंटी लेता हूँ आपका वर्क कर जाएगा। गाइज हाँ, 90% लोग का तो वर्क कर जाएगा। गाइज अगर आपका 10% में आते हो, अगर आपका वर्क नहीं करता है, तो मेरा इंस्टाग्राम ID का लिंक मिल गया है डिस्क्रिप्शन में, या इंस्टाग्राम ID है RITESHMAURYA360, सारा एक में ही है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे से बातचीत कर सकते हो, एट अ टाइम मैं आपको रिप्लाई देता हूँ और आपका परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर इस ट्रिक से, अगर आपका वर्क नहीं करता है तो। या इसके बाद कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या इंस्टाग्राम पे आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो गाइस अगर आपका लॉग इन फेसबुक हो जाएगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत जल्द 100K कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप लोग नहीं कंप्लीट कराओगे तो भाई 100 कैसे के कंप्लीट होगा, तो गाइस आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ पे आपको फर्स्ट ट्रिक ये करना है, करना कुछ नहीं, सिंपली से आप अपने क्या करना है, फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है, यानी कि फ़ोन को ऑफ करने के बाद, यानी कि आपको करना है फ़ोन से स्टार्ट। उसके बाद गाइज अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एंड्रॉयड फ़ोन के सेटिंग में जाना है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपका कोई भी स्मार्टफोन हो, वीवो हो, रियलमी हो, ओप्पो हो, ओप्पो रेनो हो, या आपका फोको हो, कोई भी फ़ोन हो, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गाइज आपको देख लेना है सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, तो गाइज आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपको सिम सेलेक्ट करने के लिए आता है, और कोई कोई फ़ोन में सिम सेलेक्ट करने के लिए नहीं ही आता है। तो गाइज मैं अपनी फर्स्ट सेटिंग, मतलब फर्स्ट सिम को भी सही करना चाहता हूँ, तो गाइज आपको फर्स्ट सेटिंग यानी कि फर्स्ट सिम सेलेक्ट कर लेना। गाइज जैसे ही मैं अपने फर्स्ट सिम को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है एक्सेस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, तो गाइज आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले ऑप्शन पर गाइज आपको क्लिक करना है। और गाइज जैसे ही आप एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे 2 डॉट देंगे, हो सकता है आपके फोन में 3 डॉट होंगे, तो गाइज रीसेट एक्सेस पॉइंट नेम आपको पहले तो कर लेना है। उसके बाद गाइज जैसे ही आपका APN सेटिंग पहले से वो था, वो आपका आसानी से और इजी वे में हट जाएगा। उसके बाद गाइज आपको पूरी तरीके से बैक आना है। उसके बाद बैक आने के बाद गाइज अब आपको सेकेंड सेटिंग करना क्या है, सेकेंड सेटिंग करना कुछ नहीं, सिंपली से आपके अपने फ़ोन में होगा DNS। जी हाँ दोस्तों, आपको सर्च करना है, हो सकता है आपके फ़ोन में थोड़ा सा लेट से आया DNS, तो गाइज आपको DNS को सर्च करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है प्राइवेट DNS जो कि ऑफ है, तो गाइज आपको इस पर क्लिक करना है। हो सकता है आपके क्लिक करने के बाद कुछ समय के बाद ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गाइज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है 3 टाइप का, तो यहाँ पे ऑफ, ऑटो और यहाँ पे डिस्टिनेटेड प्राइवेट DNS का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम लोग को फर्स्ट और सेकंड से मतलब नहीं, हम लोग को थर्ड वाले से मतलब है। हो सकता है आप अगर थर्ड वाले पे क्लिक करोगे तो लिखने के लिए आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको वेट करना है। और गाइज जैसे ही आप वेट करते हो, तो गाइज आपके सामने लिखना क्या है, अगर रियलमी के यूज नहीं करते हो फोन, तो आपके सामने ऑलरेडी आ गया होगा लिखने के लिए, लेकिन मैं रियलमी का यूज करता हूँ और आप भी रियलमी के यूज करते हो, तो यहाँ पे मॉडिफाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइज जैसे ही आप मॉडिफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, तो आपके सामने कुछ ऐसा और इस प्रकार से एक इंटरफेस आता है। और गाइज जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है www.google.in। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपका नहीं लिखा होगा, क्योंकि मैं और सारे प्लेयर्स इसी को लिख करके, सही करके, और आपको सबसे बढ़िया मत लाइव प्रूफ करके, गेम को ओपन करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो गाइज अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है सारा स्मॉल में ही www.google.in। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, तो गाइज आपको इस पर क्लिक करके, उसके बाद आपने अपने एंड्रॉयड फोन में आपको आसानी से और इजी में DNS को प्राइवेट
भी DNS को सही पर क्लिक कर देना है। अब आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइज अब आपको पूरी तरीके से होम स्क्रीन पे आना है। उसके बाद गाइज अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ करके गेम को ओपन करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताया कि आपके अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और गाइज जैसे ही आप अपने फोन को रीस्टार्ट करते हो उसके बाद गाइज आपको BGMI एप्लीकेशन को एक बार क्लियर कैसेस कर लेना है। अगर करना चाहते हो तो अदरवाइज कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद गाइज आपको BGMI ऐप को आपको ओपन करना है। और गाइज ओपन करते हो तो आपके कुछ ही समय के बाद यहाँ पे ऐसा और इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं। और अभी तक आप अपडेट नहीं किए हो 1.6 वर्जन, तो गाइज जल्दी से फटाफट आप जाओ और अपडेट कर लो, क्योंकि अपडेट नहीं करोगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। और सबसे बढ़िया बात तो मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। जैसा कि अगर आपका फेसबुक लॉगिन प्रॉब्लम आ रहा है तो कितना भी आप ट्राई किए होगे, और जैसा कि आपको पता है जो मैं आपको सेटिंग बताया, अगर आप उस सेटिंग को किए होगे और आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर रहे होगे, यहाँ तक आ गए होगे, तो आपका प्रॉब्लम 110% सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो लोग पहले ही भाग गए होंगे, वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे, तो उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं भी नहीं मिलेगा और कोई भी यूट्यूबर उनको नहीं बता देगा, क्योंकि आप लोग वीडियोज़ को कंप्लीट नहीं देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो गाइज और आपका काम हो जाता है और आप ऐसे ही चले जाते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जल्दी से फटाफट आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ, या इसके बाद कोई भी डाउट होता है तो मिल गया है लिंक, मिल गया है इंस्टाग्राम का जो कि डिस्क्रिप्शन में है। आप इंस्टाग्राम पर आ करके स्क्रीन शॉट दे करके अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो मेरे से। तो गाइज चलिए चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो गाइज हम लोग क्या कर रहे थे, फेसबुक से लॉग इन कर रहे थे, लेकिन हम लोग का फेसबुक से लॉग इन हो ही नहीं रहा है। तो गाइज अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं, सिंपली से आपको लॉग इन विथ फेसबुक पर क्लिक करना है। और गाइज जैसे ही लॉग इन विथ फेसबुक पर क्लिक करते हो तो ये सारा आपको टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं, तो आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब इसके बारे में जितने भी BGMI के लिए दिए गए सारा कुछ दिया गया। तो गाइज आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाने वाला हूँ और आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है वो नहीं आएगा और आपके सामने गेम को ओपन करके दिखाऊंगा और आपका पिंग भी ज़्यादा हाई नहीं होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद गाइज आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली से अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइज जैसे ही आप एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे फेसबुक दिखाने लगता है और यहाँ पे आप देख सकते हो लोडिंग लेगा। और गाइज जैसे ही लोडिंग लेगा तो यहाँ पे कुछ समय तक आपको गाइज वेट करना है। और गाइज जैसे ही आप यहाँ पे कुछ समय तक वेट करते हो तो वेट करने के बाद गाइज आपको वेट करना है। और वेट करने के बाद गाइज आपको सबसे बढ़िया, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। और सब लोग का अभी फेसबुक लॉगिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और अगेन से आपको फेसबुक लॉगिन पे क्लिक करना है, यानी कि लॉगिन विथ फेसबुक पर क्लिक करना है। और गाइज जैसे ही लॉगिन विथ फेसबुक पर क्लिक करते हो तो लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ही समय के वेट करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देखने के लिए मिल जाता है आपका सामने कुछ ही समय तक लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद आपका फेसबुक से लॉगिन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हाँ आपको नेटवर्क को भी देख लेना है कि आपका नेटवर्क सही है या नहीं। एक बार अगर आपका नहीं होगा तो आप एक बार वाईफाई से आप कनेक्ट करके या मतलब कि करके देख सकते हो, एक बार फोन को थोड़ा सा नेटवर्क के आपको एरिया में लेकर चले जाना। तो गाइज यहाँ पे आपको कुछ समय तक जैसे ही आप वेट करते हो तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही वेट करने के बाद गाइज आपका लोडिंग लेने के बाद गाइज यहाँ और आपका यहाँ पे गेम ओपन हो गया। तो गाइज आपको यहाँ पे कैंसिल या ओके पर क्लिक करना है अगर आपको मैप डाउनलोड करना है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होंगे और स्टेप बाई स्टेप देखे होंगे तो आपको सारा कुछ प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जो कि लिंक मिल गया है डिस्क्रिप्शन में, आप स्क्रीनशॉट लेकर के और मेरे से बातचीत कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें।